वहीं बात करें अगर अलवर की, तो महिला की हत्या की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र चावड़ी पाड़ी और आर्य नगर में दीपावली और गोवर्धन के दिन एक महिला के दोनों पैर और हाथ मिलने के मामले की गुत्थी अभी अनसुलझी हुई है। इसी बीच आज तड़के अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत रंगभरिया की गली में महिला का धड़ मिला है, जिस पर खाल नहीं है, सिर्फ मांस का लोथड़ा ही है। पुलिस के लिए मामला चुनौतीपूर्ण हो चुका है। अब सिर्फ महिला का सिर मिलने का पुलिस को इंतजार है, क्योंकि महिला के चेहरे से ही इस मामले की गुत्थी सुलझ सकती है। चेहरे के आधार पर शिनाख्तगी के प्रयास किए जाएंगे। आज सुबह महिला का धड़ मिलने के बाद एफएसएल टीम और कोतवाली के थाना प्रभारी राम सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और महिला के धड़ को बरामद किया और उससे अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसी के साथ हमारे संवाददाता मामले पर जुड़ गए हैं पवन हमारे साथ। जी पवन, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है इस मामले में। महिला के अंग मिल रहे हैं धीरे धीरे करके, तो क्या कुछ जानकारी है? राधिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, तीन दिन के लगातार घंटे के अंदर एक महिलाओं की तकलीफ हालत में शव मिल रहे। पहले दीपावली के दिन इसके हाथ मिले थे, उसके बावजूद दूसरे दिन पैर मिल रहे, आज इसका धड़ मिला है। कहीं ना कहीं हमारी पुलिस प्रशासन की एक कमी बोखलाती नजर आ रही है कि तीन चार दिनों से लगातार शव मिल रहे हैं, अभी तक तय तक नहीं पहुंच पाई क्या मामला है क्या नहीं, और इसको शव को लेकर सनसनी फैली हुई इलाके में अलग अलग स्थानों पर शव को घेर डाला जा रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस अभी किस मुद्दे तक नहीं पहुंच पाई। जी राधिक जी, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं मामले को सुलझाने के? जी राधिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बोले जल्द हम खुलासा करें और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करें, मगर सिर्फ एक खोखले दावे वादे पूरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तीन चार दिनों से लगातार जो सिलसिला जारी है वही रूटीन जारी है, उसके बावजूद भी किसी तय तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। जी राधिका जी, पवन तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता पवन, जिन्होंने हमें बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में लापरवाही नजर आ रही है और मामला काफी बड़ा है, सनसनीखेज है, सब जगह अलवर में सनसनी फैली हुई है। महिला के शव के टुकड़े मिल रहे हैं धीरे धीरे करके और फिलहाल सर की तलाश अभी है शिनाख्तगी के लिए पुलिस को।